खजनी थाना क्षेत्र के महुआ डाबर पुलिस चौकी के भीटी खोरिया गांव निवासी दिलीप पांडे ने मंगलवार को चौकी इंचार्ज अभिजीत कुमार व दीवान सहित 6 पुलिस कर्मियों के खिलाफ एसएसपी विपिन ताड़ा से जांच कर निष्पक्ष कार्रवाई कर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की थी। वहीं इस मामले में चौकी इंचार्ज अभिजीत कुमार और अन्य पुलिस कर्मियों का दिलीप कुमार को थप्पड़ मारने का एक सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। आपको बता दें कि आरोप है कि भीटी खोरिया निवासी दिलीप पांडे ने एसएसपी से लिखित तहरीर में कहा है कि मंगलवार शाम को 8 बजे के करीब उनके द्वारा साई बेकर्स दुकान पर घर के उपयोग हेतु सामान खरीदा जा रहा था। उसी समय महुआ डाबर चौकी के दीवान मोती प्रसाद दुकान पर पहुंचे और पुलिस को गाली देने संबंधित कई आरोप लगाते हुए चौकी पर पहुंचने की बात कही और वापस चौकी चले गए। 10 मिनट के अंदर ही चौकी इंचार्ज अभिजीत कुमार अपने दीवान मोती प्रसाद एवं रामेंद्र वर्मा तथा 3-4 अन्य सिपाहियों के साथ पहुंचे और भद्दी भद्दी गाली देते हुए दिलीप पांडे को 2 थप्पड़ मार दिया, जिससे दिलीप पांडे के कान का पर्दा फट गया। उसके बाद चौकी इंचार्ज अभिजीत दिलीप पांडे को चौकी पर ले गए और 1 घंटे बाद छोड़ दिया। उसके बाद चौकी इंचार्ज अभिजीत कुमार ने धमकी दिया कि कहीं शिकायत किए तो इतना मुकदमा ला देंगे कि तुम्हारी कई पुश्त खराब हो जाएगी। इस पूरे मामले का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसका गुरुवार को एसएसपी विपिन ताड़ा ने संज्ञान लिया और चौकी इंचार्ज अभिजीत कुमार को निलंबित और हेड कांस्टेबल मोतीचंद प्रसाद को लाइन हाजिर कर पूरे प्रकरण की जांच सीओ लाइन को सुपुर्द कर दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए जांच अधिकारी एएसपी सीओ कैंट व सीओ लाइन आईपीएस राहुल भाटी ने कहा। खजनी वाले प्रकरण में जो सब इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया है उसकी जांच अर्थात मुझे आवंटित एसएसपी महोदय के द्वारा की गई है। इसमें जो विधिक कार्रवाई वो अमल में लाई जाएगी तथा जांच के उपरांत रिपोर्ट एसएसपी महोदय को प्रेषित की जाएगी।